समझ में आ रहा है ना, शॉर्टिंग वगैरह निकालना, सारे ब्लैक पेसेड ऐसे खोलते हैं सब लोग, ऑलरेडी खोले कि नहीं खोले बताओ भाई, कौन कौन खोल लिए? नॉर्मल आईसी विदाउट पेस्टेड, अच्छा 4G हैंडसेट कौन कौन ऑन कर लिए यहाँ पे? हाँ सब किए कि नहीं किए? तो यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है एक बार, ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, अ चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ISO 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास यहां पे एक MI का हैंडसेट है, Redmi Note 5 Pro, Note 6 Pro हैंडसेट है, और इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है ये सब अभी पूछते हैं। हमारे साथ है अमित जो कि राजस्थान से है, तो अमित ये बताओ अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है हैंडसेट में? इसमें प्रॉब्लम है, ये MI नाम पे स्पेक होता है और बैटरी, साथ में इसमें बैटरी सिंबल आ रहा है। जैसे ही बैटरी लगा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली पावर की भी प्रेस नहीं कर रहे हैं, विदाउट पावर की प्रेस किए यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग का सिंबल आ रहा है और MI लोगो आके चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली ऐसे फॉल्ट को क्या करते हैं, पावर की से समझते हैं कि रीस्टार्ट हो रहा है हैंडसेट, बैटरी लगाने के बाद ऑटो रीस्टार्ट अगर होता है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं इसमें, पावर की, हो सकता है पावर की शॉर्टिंग है, तो पावर की में बैटरी लगाते ही डायरेक्टली क्या हो जाता है वहाँ पे बूट होने लग जाता, डायरेक्ट ऑन होने लग जाता है। तो यहाँ पे MI लोगो आ रहा है, उसके बाद चार्जिंग का सिंबल आ रहा है। एक बार बता देना चाहूंगा वापस से, थोड़ा सा बैटरी लगा दो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे MI लोगो आएगा, उसके बाद चार्जिंग का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे ऑन हो रहा है क्या हैंडसेट? ये ऑन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन में या तो पावर की का पत्ता चेंज करते हैं या तो फिर क्या करते हैं, हम फ्लैशिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं, लेकिन बैटरी जैसे ही बैटरी लगा रहे हैं डायरेक्टली ऑन होता है। तो यहाँ पे मोस्टली हम क्या करते हैं, पावर की का पत्ता, वॉल्यूम के पत्ताओं को चेक करते हैं। और तो यहाँ पे चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या है, तो चलिए इसको, ये प्रॉब्लम हार्डवेयर से है अभी, किससे? हार्डवेयर से। ऐसे में जनरली क्या करते हैं, फ्लैशिंग या प्रोग्रामिंग करके देखते हैं या बैटरी बदल देते हैं अंदाजे पे, कि शॉर्टिंग कहाँ है उनको पता नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर अभी चेक करेंगे कहाँ पे फॉल्ट मिल रहा है हमको, ठीक है। तो चलो इसका सबसे पहले PCB बाहर निकाल दो, उसके बाद हम क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कोई ना कोई सेक्शन, जितने सेक्शन हम पढ़े हैं, ठीक है, लाइट चार्जिंग ग्राफिक हो या नेटवर्क हो या कहां पे भी, अगर हमको कोई कैपेसिटर अगर शॉर्ट मिलते हैं तो हम देखेंगे वहां पे लाइन कौन सी लाइन है और क्या शॉर्ट है, ठीक है। इसको बाजू रख देंगे अपन, अब मल्टीमीटर बजर में डाल देंगे और चेकिंग करेंगे। पे अभी क्या कर रहे हैं अपन, पूरा PCB को चेक करेंगे एक एक सेक्शन, कोई एक सेक्शन में हमको शॉर्टिंग मिलती है तो वो सारे कैप चेक करेंगे। पहले थोड़ा बैटरी कनेक्टर बता दो अमित, थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर चेक करेंगे, DC से भी देखेंगे कहीं क्या ऑटो एम्पियर ले रहा है क्या, थोड़ा ऊपर करो हमें, तो कितना आ रहा अमित, थोड़ा फिर से बताओ वी बैट पे 460, मतलब ये ओके है हमारी रीडिंग, ठीक है। तो रिवर्स में भी बता दो, मतलब फुल शॉट तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, रिवर्स में भी 1400 के आसपास आ रही है, ठीक। इसके पास हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो क्या DC से कनेक्ट करेंगे, ऑटो एम्पियर ले रहा क्या चेक करेंगे, या नहीं तो डायरेक्टली पावर और चार्जिंग AC के पास सारे कैपेसिटर को चेक करना है, किसको, कैपेसिटर्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे DC से भी चेक कर लेते एक बार अपन, ठीक है, क्योंकि कोई भी मोबाइल में क्या फॉल्ट है डायरेक्ट मालूम होता है क्या अपने को, एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है, उससे ही जाएंगे तो ही पता चलेगा।
मतलब कुछ भी ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है, मतलब लीकेज वगैरह कुछ नहीं है, नहीं ले रहा है। जब हाई बूटिंग ले रहा है मतलब दिखाना ऊपर करके थोड़ा सा सारा काइल पे चेक कर देंगे, ये वाला काइल ठीक है। पीएम 660 एल है हमारा, कौन सा एसी है ये? लाइट और ग्राफिक, कौन सा है? लाइट और ग्राफिक। नीचे आईसी के बाजू में अमित, हाँ उधर उधर उसके नीचे और, हाँ करेक्ट, अच्छे से लगा ठीक है। यहाँ पे क्या मिला हमको? एक एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला है ठीक है। थोड़ा और ऊपर करो हमें जो कैप शॉट मिला, हम उसको स्कीमेटिक से देख सकते हैं कि क्या लाइन है, कहाँ पे जा रही है, कितना वोल्टेज आ रहा है ठीक है। सबसे पहले क्या खोलेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में, कौन सा बोलो? लेआउट। लेआउट में क्या देखेंगे हम? कैपेसिटर का लोकेशन और उसका नंबर क्या है, फिर उसको जाके कहाँ पे डालना है डायग्राम। किसको किसको आता है चेक करने भाई? सब कर सकते हैं डायग्राम ठीक है। बोर्ड पे पूरा रोजिन कर लो ठीक है। जो हमारा लाइन है तुम्हारा अभी जो अपना जो लाइन दिखा है ठीक है, ये वाला लाइन है सेंसर का बगल का एक कैप है ठीक है। ये वाला कैप किधर किधर जा रहा है? HDMI लगाएंगे और स्कीमेटिक का वहां पे चेक करेंगे, वही वाला जो कैपेसिटर है वो लाइन क्या है ठीक है। नहीं तो
मदरबोर्ड के अंदर अपने को मिला, शॉर्ट किधर मिला अपना जो फिंगरप्रिंट के बाद जा रहा है, ठीक है, सेंसर, दो सेंसर के बाद जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला लाइन को हम फर्स्ट यहाँ जो फिंगरप्रिंट है जो बैक का सेंसर करने देख लिए, या एक बार फिंगरप्रिंट के पास भी चेक कर लेंगे, एचडीएमआई में इससे निकाल रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड में देख लो अभी तुम। यहाँ देखो ये वाला भी शॉर्ट कैप शॉर्ट बता रहा है, उससे ही जुड़ा हुआ है। जो लाइन एक लाइन में एक पैरेलल की कैप शॉर्ट होता है तो उसको पूरा लाइन शॉर्ट होता ना, ठीक है। इस लाइन में कितना वोल्टेज चल रहा है? 3.0, ठीक है। कितना दे सकते हैं हम? 3.80 तक दे सकते हैं, 3 वोल्ट तक भी दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा ये वाला 3 वोल्ट देने का सिस्टम कहाँ से पता चला आपने? 3 वोल्ट ही बोल के किधर से पता चला? जो स्कीमेटिक रीड करने आता उसको ही समझ में आता, सबको समझ में आता क्या, ठीक है। कहाँ बोले तो वहाँ कितना वोल्टेज बोले तो उतना दे देंगे। जो लाइन के हिसाब से कौन सा लाइन है ओवरऑल लाइन में कितना वोल्टेज चल रहा है उसी के हिसाब से देते ना तुम लोग, ठीक है। दो जिन मारो यहाँ तो कैप शॉर्ट निकालो, दो जिन मारो इतने सारे कैपेसिटर शॉर्ट है, अब उसमें सारे सारे निकालेंगे तो पूरा पीसी भी खाली हो जाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड यही है हमारे पास शॉर्टिंग निकालने का, अभी जो बताएंगे, ठीक है। जहाँ शॉर्टेज हो रहा है उधर से तुम नीचे से देख के लगाओ। थोड़ा नीचे करना, अभी देखो यहाँ देखो ये वाला कैप जो है, ये वाला जो कैप जो जला आपने, ठीक है, एक बार इसे अलता सा रोशनी दो, अलता सा रोशनी दो, खाली खचाक करना है, थोड़ा वोल्टेज और कम करेंगे तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कराऊं, जितना ज्यादा वोल्टेज जल्दी हो जाता है, समझ रहे? वेरी गुड, ठीक है, बस है। क्या हिट हो रहा है यहाँ पे इस तरह से फाइंड कर सकते सब लोग शॉर्टिंग? ये तो एक बेसिक मेथड है, और भी बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं डेली डेली कुछ ना कुछ रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड है, रोजन करके देख रहे हैं सब लोग, निकाल सकते हैं ना शॉर्टिंग।
वेरी गुड। तो सर अब कैपेसिटर निकाल के कैपेसिटर भी चेक करेंगे और लाइन भी चेक करेंगे बोर्ड में। थोड़ा अमित थोड़ा ऊपर दिखाओ कैपेसिटर ऊपर एलसीडी में देखो फिर आता है। ठीक है चलो ठीक है बज रहा है कैपेसिटर हमारा। ठीक है अब एक बार सर्किट में भी चेक कर लेंगे शॉर्टिंग गई कि नहीं गई हमारी। जो सेंसर के पास बार था उधर चेक करो मल्टीमीटर से इधर इधर जो फिंगरप्रिंट सेंसर पे चेक करें ना फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर चेक करो क्या शॉर्ट हो रहा है या निकल गया से ऊपर बताओ। ये हैंडसेट किसका है भाई? स्टूडेंट का ही है ना ये? इंस्टीट्यूट का तो नहीं होता ना ये? आप लोगों के जितने हैंडसेट यहाँ रिपेयर करते हैं। ठीक क्या बोला तो चार्जिंग जैसा कि फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे MI के बाद एंड्रॉयड लोगो आ चुका है और यहाँ पे जो प्रॉब्लम था हमारा सॉल्व हो गया है। तो एक बार जोरदार अमित के लिए कैप। ठीक है तो यहाँ पे अमित जैसा कि अमित ये हैंडसेट में प्रॉब्लम था देखे कैसा था प्रॉब्लम शॉर्टिंग का था। तो इस तरह का हैंडसेट आपके पास आ जाए तो रिपेयर कर सकते शॉर्टिंग वगैरह है तो अभी निकाल सकते कि नहीं कर सकते क्योंकि अभी काफी 15 से 20 दिन हो चुके हैं अपने 15 दिन हो चुके हैं कम से कम। तो सबको समझ में आ रहा है ना शॉर्टिंग वगैरह निकालना सारे ब्लैक पेसेड ऐसे खोलते हैं सब लोग ऑलरेडी खोले कि नहीं खोले बताओ भाई कौन कौन खोल लिए नॉर्मल IC विदाउट पेस्टेड अच्छा 4G हैंडसेट कौन कौन ऑन कर लिए यहाँ पे हाँ सब किए कि नहीं किए। तो यहाँ पे जितने भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे ठीक है तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है एक बार। ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट जो कि ये भी बिहार से है काफी दूर से यहाँ साउथ आए हैं तो ये पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो मोहन अपने बारे में बताइए कैसा है क्या। मेरा नाम मोहन कुमार है मैं बिहार से हूँ और मैं इस लाइन में बहुत दिन से था लगभग 10-12 साल से इस लाइन में काम कर रहा था। लेकिन पहले जो काम करता था तो जब भी कोई भी काम मोबाइल में करता था पता ही नहीं चलता था कौन सा IC क्या काम करता है क्या उसका वर्क है कुछ भी पता नहीं चलता था। यहाँ आने के बाद जब यहाँ पे हम लोग जब 20-25 दिन का क्लास हुआ तो उसके बाद पता चला कि सेट में क्या सेक्शन क्या काम का होता है क्या होता है हर चीज़ का नॉलेज मिला यहाँ पे आने का डीपली नॉलेज मिला यहाँ पे आने का। तो पहले आप इतने सालों से काम कर रहे थे अभी आप में चेंजेस कुछ आया कि नहीं? बहुत कुछ चेंजेस आ गया यहाँ पे आने के बाद अब लगता है कि आप इस लाइन में जो है ना अभी आप और लंबे टाइम पर काम कर सकते हैं।
क्योंकि बीच में हमको जब यहाँ आने से पहले लग रहा था कि अब इस लाइन में कुछ रहा ही नहीं, अब इसको छोड़ देंगे, अब क्या करेंगे, इसको बनता ही नहीं है सेट, कस्टमर लौट रहा है दुकान से, बहुत मतलब अपने आप में गिल्टी फील होता था जब कस्टमर लौटता था दुकान से। तो यहाँ आने के बाद लगा कि अब वो कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया, लगता है कि नहीं अब यहाँ जाने के बाद जो है काम करेंगे बढ़िया, कस्टमर तो नहीं लौटेंगे, नहीं एकदम नहीं लौटेंगे कस्टमर। पहले का जो फोन आए आप प्रैक्टिकल मिला उससे हम खुद से बनाए थे। कैसा सिखाते हैं यहाँ पे फोन फिक्स के बारे में बताइए, कैसा है ये सूट? जो भी कोई आना चाहते हैं एकदम आंख बंद करके एक बार यहाँ आ जाइए और आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। जितना पैसा यहाँ जितना पैसे हम यहाँ पे सिखा रहे हैं समझ जाइए कि बहुत कुछ सूद ब्याज सहित आप वापस ले लीजिएगा वहाँ से, इतना अच्छा सिखाते हैं यहाँ पे। और कहीं भी दीजिएगा यहाँ का जैसा थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात, बहुत अच्छा।